Hello students, this is 12th video in the revision series of class 9 mathematics, and this is question number 31. So if each observation of data is increased by 5, then find the new mean. Okay, तो बहुत important question है, इसको carefully देखिएगा. हमारे पास यहाँ पर कुछ भी data नहीं है, but उसने बोला कि आपके पास जो भी data है, अगर हर एक data को आप 5 increase कर देते हो, तो what will be new mean? उस new mean का value हमको find करना है. तो let us assume that our observations are, let us assume that x1, x2, x3 and it goes on to xn are n observations. Suppose हमारे पास initially ये observations है, ठीक है? ओके, देन इन ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या होगा? नाउ मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड कर दिया हमने. ओके, एन ऑब्जर्वेशंस हैं तो ऐसा लिखा हमने. नाउ दिस होल डिवाइडेड बाय एन, दिस इज आवर ओल्ड मीन. इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अपना मीन है. ओके, ओरिजिनल मीन ये है. Okay, now according to question, if each observation is increased by 5, then new observations are, new observations are x1 plus 5. Okay, ये x1 था तो बन जाएगा x1 plus 5, second हो जाएगा x2 plus 5, बिल्कुल ऐसे ही x3 plus 5, और हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड होते चले गया. देन लास्ट जो भी ऑब्जर्वेशन है, हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन को xn लिखा है, तो ये हो जाएगा xn प्लस 5. ओके, देन बिकॉज ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली मीन भी चेंज होगा. द न्यू मीन, ओके, न्यू मीन को मैं डिनोट कर रहा हूँ x1 बार से. ओके, द न्यू मीन is equal to sum of all observations, that is x1 plus 5 plus x2 plus 5 x3 plus 5, और ऐसे पूरे ऑब्जर्वेशन ऐड होते जाएंगे. ये आ गया लास्ट ऑब्जर्वेशन xn plus 5. नाउ दिस होल इज डिवाइडेड बाई, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है अभी भी. ओके, एन ऑब्जर्वेशन पहले भी थे, अभी भी एन ऑब्जर्वेशन हैं. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा केयरफुली देखिएगा, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो x1, x2, x3 इन सबको मैं सेपरेट कर लूँगा यहाँ से. x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, प्लस x4, ऐसा सब पूरे x वाले टर्म्स को हमने सेपरेट किया और लास्ट में लिख लिया xn. इनका एक ग्रुप अलग से बना दिया हमने, ठीक है. अब 5, हर एक टर्म का जो 5 है वो देख लीजिए, तो यहाँ पर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है. ओके, जैसे यहाँ पर ये टर्म्स कितने हैं, ये 1, 2, 3, ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं हमारे पास xn, तो डेफिनेटली 5 वहाँ पर कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है. तो मैं उसको लिखूँगा प्लस 5 इंटू एन. 5 को आप अगर 3 बार ऐड करोगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5. 5 को अगर मैं 10 टाइम्स ऐड करूँगा, तो इसको मैं लिखूँगा 10 इंटू 5. 5 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू 5, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर n इंटू 5. नाउ दिस होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, क्लियर? देन नाउ दिस होल इज डिवाइडेड बाई n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn होल अपॉन n प्लस 5n अपॉन n. ओके, विच इज इक्वल टू, इस टर्म को बहुत केयरफुली देखिए, ये क्या है, ये हमारा ओल्ड मीन है, x1 टू xn डिवाइड बाई n, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओल्ड मीन. तो इसको रिप्लेस करके आप ओल्ड मीन लिख सकते हैं. सो ओल्ड मीन प्लस n और n कैंसिल हो जाएगा, 5. तो ये आ गया हमारा न्यू मीन का वैल्यू. सो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस 5.
बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये. ये था हमारा न्यू मीन, दिस इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस 5. ओके, तो अगर आप ऑब्जर्वेशंस में जो भी चेंजेस कर रहे हैं न्यू मीन में भी वो चेंजेस हो जाते हैं. जैसे हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस में 5 ऐड किया, ओके, देन व्हाट विल बी न्यू मीन? दिस न्यू मीन विल बी ओल्ड मीन प्लस 5. अगर आपके पास ओल्ड मीन का वैल्यू है तो उसमें 5 ऐड कर दो, यू विल गेट न्यू मीन. ऐसे हर एक ऑब्जर्वेशंस में अगर आप 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन व्हाट विल बी न्यू मीन? न्यू मीन विल बी ओल्ड मीन इंटू 5. ओल्ड मीन में आप 5 का इंटू कर दो, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशंस में भी 5 का इंटू अगर दिया है तो आप ऐसा करके ऑब्टेन कर सकते हैं. तो जैसा ऑपरेशन ऑब्जर्वेशंस में हो रहा है न्यू मीन फाइंड करते समय, वही ऑपरेशन आपको ओल्ड मीन में करना है. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर इंक्रीज बाय 5 बोला, हो सकता है कि आपको डिक्रीज बाय 5 आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाए, डिवाइडेड बाय 5 आ जाए. मेथड सेम ऐसा ही रहना हर एक क्वेश्चन में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32. तो स्टूडेंट्स, अगर हमें रॉ डेटा गिवन है तो उसका मीन हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं. सपोज मेरे पास कोई रॉ डेटा है 1, 2, 3, 4 एंड 5. अगर किसी ने हमसे कहा कि इसका मीन फाइंड कीजिए, देन मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ऐसा करके हम मीन फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो रॉ डेटा का मीन फाइंड करना आप लोगों ने सीखा है. बट अगर डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ जाए, जैसे ऐसा कुछ टेबल आपको दिया जा सकता है, यहाँ पे वेरिएबल है 4, 6, 8, 10, जो भी वेरिएबल है उसको एक्स से डिनोट करना है और उनका फ्रीक्वेंसी ये है. ओके, इस केस में मीन फाइंड करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड को देख लीजिए. एक्स वाला कॉलम, आई मीन वेरिएबल वाला कॉलम और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए. 4 × 4 = 16, 6 × 8 = 48, 8 × 14 = 112, then 10 × 11 = 110, and this is 36. तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी कॉलम और जो वेरिएबल कॉलम है, ठीक है, उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये जो fx वाला कॉलम दिख रहा है इसको आपको ऐड करना है. तो इस समेशन को, हम इन सब को ऐड करने जा रहे हैं, इस सम को डिनोट किया जाता है मैथ्स में सिग्मा साइन से. ठीक है, सिग्मा fx, ये इंडिकेट करता है सम ऑफ ऑल fx. ओके, इसको कैसे रीड किया जाता है, सम ऑफ ऑल fx. तो इन सब को मैंने ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू आ रही है 322. ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 322. एक बार ये मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, 16 ठीक है, 48 ठीक है, 112, 110, 36 ठीक है, सम इतना आएगा. तो एफ एक्स वाले कॉलम को मैंने ऐड किया, बिल्कुल ऐसे ही ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिख रहा है इसे भी ऐड करना पड़ेगा. बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ, दैट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी यहाँ पर 40. ओके, इतना होने के बाद मीन के लिए एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. देन सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आ रहा है 322 एंड सिग्मा एफ इज 40. ओके, देन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.05. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक बार ये मेथड मालूम होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो. ओके, क्या करना है, मेथड क्या है, जो x है और f वाला कॉलम है उनका प्रोडक्ट फाइंड करके लिख लेना है हमको. ठीक है, देन ये पूरे एफ एक्स का सम आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में नीचे लिख लीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इन दोनों का डिवीजन, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ. आपने वैल्यूज पुट किया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इस पर थोड़ा सा और वेरिएशन आ सकता है. ओके, यहाँ पे जैसे ऑल फ्रीक्वेंसीज गिवन है और आप मीन फाइंड कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिससे मीन गिवन होगा आपको, जैसे ये केस है. ओके, तो यहाँ पर वही टेबुलर फॉर्म है बट यहाँ पर हमें मीन गिवन है 20.2. ओके, और आपको फ्रीक्वेंसी में एक अननोन वैल्यू दिख रही है पी, ये एक अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है.
ओके, ये है क्वेश्चन आपका। मेथड सेम होगा, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते जाइए। ओके, 20 इंटू पी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 20 पी। ओके, ये सब आने के बाद आप यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लीजिए जो भी आएगा, देन फाइंड आउट सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ओके, देन अप्लाई मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन आपको गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो पुट कीजिए, देन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यहाँ से आपका जो अननोन वैल्यू पी रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। मेथड सेम है, थोड़ा सा वेरिएशन है बस। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ओके, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।